हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सामरा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 11 में आपको सीताराम सक्सेरिया जी की एक डायरी का पन्ना दिया गया है। ये पन्ना उनकी निजी डायरी से लिया गया है और इस पन्ने में उन्होंने 26 जनवरी 1931 का वर्णन किया है। 26 जनवरी 1931 में ऐसा क्या हुआ था, इस इतिहास के बारे में हम इस पाठ के जरिए जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 जनवरी ये दिनांक जो है लेखक ने अपनी डायरी में लिखी है ताकि वो अपनी डायरी में ये बता सके कि जो ये आगे का वर्णन किया गया है वो 26 जनवरी के बारे में दिया गया है। तो 26 जनवरी 1931 का जो है लेखक वर्णन कर रहे हैं कि 1931 की 26 जनवरी में ऐसा क्या हुआ था, उस दिन ऐसा क्या घटित हुआ था जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वो हम यहाँ जानेंगे। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि आज का दिन यानी 26 जनवरी 1931 का जो दिन है वो अमर दिन है। अमर दिन कहा गया है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आज के ही दिन यानी 26 जनवरी के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था सारे हिंदुस्तान में, इसलिए लेखक ने इस दिन को अमर दिन कहा है। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति होता है फिर से आना, यानी इस दिन भी फिर से इसी दिन 26 जनवरी के ही दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था और जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से कर दी गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह से जो स्वयं सेवक थे उनके घर जा जाकर समझाया था। यहाँ पर जो लेखक ने अपना अपने ये वर्ड यूज़ किया है हर जगह पर, ये वर्ड जो है उन्होंने हम हमारे या अपने लिए, यानी लेखक द्वारा अपने लिए प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि गत वर्ष यानी जो बीता हुआ वर्ष था 1930 का, उस वर्ष में उनका हिस्सा यानी जो लेखक हैं उनके द्वारा बहुत साधारण तरीके से मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे यानी जितना लोग दे सकते थे उन्होंने दिया था। केवल प्रचार में ही कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है इस साल भी, इसी के प्रचार में 2000 रुपये जो है वो खर्च किए गए थे। उस समय 2000 रुपये काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए लेखक 2000 रुपये का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। सारे काम का भार अपने समझते थे यानी सब जानते थे कि जो काम है वो सबके ऊपर बराबर है और सबको करना है, और इसी तरह जो है लेखक ने सबके घर जा जाकर, जो स्वयं सेवक थे यानी जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर जो है उन्हें समझाया था कि सभी को जो है काम बांटना है। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। अब जो बड़ा बाजार है वो लेखक ने एक बाजार का वर्णन किया है कि उस बाजार के प्रायः जो सभी मकान हैं उनके ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, यानी सारे मकानों पर राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था और कई मकान इतने सुंदर सजाए गए थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें स्वतंत्रता मिल गई हो। ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि उन मकानों को देखकर इस तरह से प्रतीत हो रहा था कि जो सारे मकान हैं वो स्वतंत्रता के लिए सजाए गए हैं कि उन्हें स्वतंत्रता मिल गई है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। ये कलकत्ता की बात कर रहे हैं लेखक कि कलकत्ता के प्रत्येक भाग में हर एक जगह पर जो है झंडे लगाए गए थे। कौन से झंडे? राष्ट्रीय झंडे जो है प्रत्येक रास्ते पर, हर एक रास्ते पर, हर एक कोने में लगाए गए थे, और जिस भी रास्ते से कोई भी मनुष्य जाता था तो उसी रास्ते में उत्साह यानी जोश और खुशी और नवीनता कहा जाता है नएपन को,
तो हर जगह पर जोश, खुशी और नयापन जो है मालूम पड़ता था। और लोगों का कहना था कि जैसी सजावट इस साल हुई है, यानी 1931 26 जनवरी को जैसी सजावट हुई है, ऐसी सजावट पहले कभी भी किसी भी त्यौहार पर या पहले 1930 26 जनवरी को भी ऐसी सजावट नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। अब यहाँ देखिए, लोग अपनी तैयारियां कर रहे थे और जो पुलिस है वो भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त लगा रही थी। यानी पुलिस कर्मचारी जो है पहरे के लिए इधर उधर जब घूमते हैं उसे कहा जाता है गश्त। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो भी अपनी पूरी ताकत से शहर में प्रदर्शन कर रही थी, शहर में गश्त लगा रही थी, ताकि वहाँ पर जो वो लोग करना चाह रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाना चाह रहे हैं, उसे रोक सके। तो मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट, सार्जेंट होता है सेना का एक पद, वो जो है जो लारियां हैं, जो गाड़ियां हैं पुलिस की, उसमें गोरखे और जो सार्जेंट हैं वो प्रत्येक मोड़ पर, हर एक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी, यानी बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, जो लारियां हैं वो शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं पर ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारे पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो यहाँ पर देखिए कि पुलिस जो है किस तरह से लोगों पर नज़र बनाए हुई थी, किस तरह से लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकना चाह रही थी। वहाँ पर पुलिस के घुड़सवारों का भी प्रबंध था, यानी पुलिस जो है वो घोड़ों पर भी इधर उधर घूम रही थी और लोगों पर नज़र बनाए हुए थी। और कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, कहीं पर भी किसी मोड़ पर कोई पुलिस कर्मचारी नहीं था, वो सारे पुलिस जो है इसी काम में लगाए गए थे कि उन्हें लोगों पर नज़र रखनी है ताकि कोई स्वतंत्रता दिवस ना मना पाए। और जो बड़े बड़े पार्क थे, बड़े बड़े मैदान थे, वहां पर पुलिस सवेरे से ही तैनात थी। उन बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सुबह से ही घेर रखा था ताकि लोग वहां पर प्रवेश ना कर सके। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट हो गया है कि पुलिस वाले क्यों रोकना चाह रहे हैं लोगों को, क्यों पुलिस जो है इतनी तैयारियाँ कर रही है, क्योंकि शाम को मॉन्यूमेंट जो है एक स्मारक है, उसके नीचे शाम को सभा होने वाली है लोगों की, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला है वहाँ पर। और वहाँ पर तो सुबह से ही, यानी पुलिस वालों को पता है कि वह मॉन्यूमेंट के नीचे, स्मारक के नीचे सभा होनी है, तो वहाँ पर पुलिस वाले सुबह 6 बजे से ही तैनात थे और बहुत बड़ी संख्या में थे। परंतु उसके बावजूद भी कई जगहों पर जो है लोगों ने भोर के समय ही, यानी सुबह के समय ही झंडा फहरा दिया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा और हटा दिया। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो श्रद्धानंद पार्क था वहाँ पर बंगाल प्रांतीय, बंगाल के जो विद्यार्थी संघ के मंत्री थे अविनाश बाबू, उन्होंने जब वहाँ पर झंडा गाड़ा, उन्होंने जब वहाँ पर झंडा फहराया तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा और वहाँ से हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो वे भीतर ना जा सके। वहाँ पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह श्रद्धानंद पार्क में पुलिस ने मारपीट की, उसी तरह से तारा सुंदरी पार्क में भी जो है बड़े बाजार कांग्रेस कमेटी के जो युद्ध मंत्री थे हरीश चंद्र सिंह, उन्होंने जब झंडा फहराने की कोशिश की तो वे पहले तो अंदर ही नहीं जा सके, उस पार्क के भीतर ही नहीं जा सके, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस थी। तो वहाँ पर जो है बहुत मारपीट हुई, पुलिस ने बहुत मारपीट की और वहाँ पर 2-4 आदमियों के सर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ देखिए, पुरुष तो आगे थे ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, यहाँ पर बताया गया है कि लड़कियों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
जो गुजराती सेविका संघ है उनकी ओर से भी जो एक जुलूस निकाला गया था, जुलूस कहा जाता है जन समूह को या भीड़ को, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से इकट्ठे होकर समूह में चलते हैं किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसे जुलूस कहा जाता है। तो गुजराती सेविका संघ की ओर से भी एक बड़ी भीड़ या जन समूह निकाला गया जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ भी शामिल थी, लेकिन उन्हें भी पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा यानी मदालसा बजाज नारायण जिनका पूरा नाम है, आदि भी आ गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। अब 11 बज गए हैं सुबह के, तो 11 बजे जो मारवाड़ी बालिका विद्यालय है उनकी लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव यानी झंडा फहराने का समारोह मनाया, यानी विद्यालय में जो है झंडा फहराया गया। वहाँ पर कौन कौन मौजूद था, जानकी देवी वहाँ मौजूद थी और मदालसा जिनका पूरा नाम है मदालसा बजाज नारायण, वो भी जो है वहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने वहाँ की मौजूद जो लड़कियाँ हैं, जो छात्राएं हैं, उन्हें उस उत्सव को मनाने का मतलब समझाया और ये बताया कि ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था, जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे, अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिनमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब लेखक ने एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो उन्हें बहुत अच्छा मालूम हो रहा था, यानी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि जो लोग हैं वो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और जगह जगह पर फोटो उतर रहे थे, यानी जगह जगह पर जो है लोगों के द्वारा फोटो खिंचवाए जा रहे थे। लेखक और उनके साथियों के द्वारा भी जो है फोटो उतारने का काफी प्रबंध किया गया था, यानी लोगों के ये प्रदर्शन वाले फोटो वे अपने पास रखना चाहते थे और 2-3 बजे तक पुलिस के द्वारा काफ़ी आदमियों को पकड़ लिया गया था जिसमें मुख्य जो है पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। अब लेखक ने मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय को क्यों बताया है, क्योंकि सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर वह प्रबंध कर चुका था, स्त्री समाज अपनी तैयारियों में लगा था, जगह जगह से स्त्रियाँ अपना जुलूस निकालने की और ठीक समय पर पहुँचने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर देखिए पूर्णोदास जो थे उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, किस चीज़ की, कि उन्हें सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनके द्वारा जो जुलूस निकाला जाना था उसकी तैयारियां करनी थी उन्हें, लेकिन अपने गिरफ्तार होने से पहले ही वे प्रबंध कर चुके थे। जो स्त्री समाज है वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ था और जगह जगह से स्त्रियाँ भी जो है वो जुलूस निकाल रही थी, यानी वो इकट्ठी हो रही थी और जन समूह के साथ चल रही थी ताकि ठीक समय पर वो पहुंच सके वहां पर जहां उन्हें पहुंचना था, सभा करनी थी मॉन्यूमेंट के नीचे, स्मारक के नीचे जहां पर झंडा फहराया जाना था और सभा होनी थी। तो मॉन्यूमेंट के पास जैसे प्रबंध भोर में था वैसे करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। अब यहाँ देखिए मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध सुबह था वैसा करीब 1 बजे तक नहीं रहा था, यानी जिस तरह से सुबह के समय पुलिस वहाँ पर तैनात थी, लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही थी, वैसा जो है करीब 1 बजे तक नहीं रहा था। वहाँ पर जो पुलिस है वो थोड़ी ढीली हो गई थी और लोग जो है अंदर जा पा रहे थे और इससे लोगों को आशा हुई कि शायद जो है आज पुलिस अपना रंग नहीं दिखाएगी, यानी आज पुलिस जो है वो यहाँ पर मारपीट नहीं करेगी, उन्हें यहाँ से नहीं हटाएगी और वो स्वतंत्रता दिवस आसानी से मना सकेंगे। पर वो कब रुकने वाली थी, पर जो पुलिस है वो ऐसा नहीं कर रही थी, वो वहां पर लोगों को जरूर रोकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। अब यहाँ देखिए 3 बजे जो है मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ लगने लग गई थी और लोग जो है टोलियों में यानी समूह में इधर उधर मैदान में घूमने लग गए थे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लोग जो है अपने अपने समूह बनाकर इधर उधर मैदान में घूम रहे थे
और लेखक बताते हैं कि जो बात आज थी, यानी जो बात 26 जनवरी 1931 को थी, ऐसी बात पहले कभी नहीं थी। ये बहुत निराली बात थी, बहुत अनोखी बात थी, क्योंकि इतने लोग एक साथ पहले कभी इकट्ठे नहीं हुए थे। लेखक बताते हैं कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब से लोगों ने कानून भंग करना शुरू किया, यानी लोगों ने सरकार की बात मानना, उसका अनुसरण करना छोड़ दिया, तब से लेकर आज तक यानी 26 जनवरी 1931 तक जो है, इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं की गई थी। और यह जो सभा थी वो कहने के लिए सभा थी, लेकिन असल में जो है ये सभा क्या थी, एक ओपन लड़ाई थी सरकार और लोगों के बीच स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। अब यहाँ देखिए, पुलिस ने एक और चाल चली लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकने के लिए, इस सभा को रोकने के लिए। उन्होंने क्या चाल चली कि जो पुलिस कमिश्नर थे उनके द्वारा एक नोटिस निकाला गया। वो क्या नोटिस था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार जो है कोई भी सभा नहीं हो सकती, और जो लोग काम करने वाले थे, जो सभा को करने वाले थे, उनको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस भेजा गया था, सूचना दे दी गई थी कि अगर वो लोग इस सभा में भाग लेते हैं तो वे दोषी समझे जाएंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। अब इसके जवाब में देखिए, इधर काउंसिल की ओर से नोटिस निकाला गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। अब जो नोटिस इंस्पेक्टरों द्वारा निकाला गया था उसके विपरीत काउंसिल, यानी जो परिषद थी जिसके द्वारा ये सभा गठित की गई थी, इस सभा का गठन किया गया था, उस परिषद के द्वारा भी जो है एक नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे, उस स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, सर्वसाधारण यानी सभी आम लोगों को जो है वहाँ उपस्थित होना है, वहाँ पर रहना है। ये जो है खुला चैलेंज था, क्योंकि वहाँ से पुलिस कमिश्नरों के द्वारा भी नोटिस निकाला गया था और यहाँ से भी परिषद के द्वारा नोटिस निकाल दिया गया था कि चाहे जो हो जाए सभा जरूर होगी और 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और ऐसा खुला चैलेंज जो है ऐसी सभा के साथ पहले कभी नहीं हुआ था, ये लेखक बता रहे हैं। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। अब लेखक बताते हैं कि जब ठीक 4:10 हो गए तो सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अपना जुलूस लेकर आ गए। उनको चौरंगी जो है वो कलकत्ता शहर में एक जगह का नाम है, उनको वहीं पर रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। परंतु सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इतनी अधिक भीड़ थी कि पुलिस के द्वारा उन्हें रोक पाना असंभव था और पुलिस उस जुलूस को नहीं रोक पाई और सुभाष बाबू वहाँ से आगे बढ़ गए। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी, बहुत लोग घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। अब यहाँ देखिए, वहाँ चौरंगी से तो सुभाष बाबू का जुलूस निकल गया, लेकिन जब उस मैदान पर, उस मॉन्यूमेंट के नीचे जब मोड़ पर पहुँचने वाले थे, वहाँ पहुँचते ही पुलिस ने लाठियाँ चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे तो वे जुलूस को नहीं रोक सकते थे, तो उन्होंने लाठियों का सहारा लिया। जब पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग जो है लाठियों की मार से घायल हो गए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, लेकिन जो सुभाष बाबू हैं वो बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे।
और एक ज्योतिर्मय गांगुली जी हैं, वे सुभाष बाबू से कह रहे थे कि आप इधर आ जाइए ताकि उन्हें लाठियां ना पड़े। लेकिन सुभाष बाबू ने क्या कहा उनसे कि हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ देखिए कितना जुनून था उनके अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने का, कि वे लाठियों की भी परवाह नहीं कर रहे थे जो उन्हें पड़ रही थी, वे फिर भी जोर जोर से वंदे मातरम कहते जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो ये सब बातें जो उन्होंने अब तक कही है, ये सब तो उन्होंने सुनी सुनाई बातें लिखी है जो उन्हें बाद में बताई गई कि आज क्या क्या हुआ था। लेकिन जो सुभाष बाबू हैं वो और जो लेखक हैं उनके बीच विशेष फासला नहीं था, वो बिल्कुल पास पास थे। सुभाष बाबू बड़ी जोर से वंदे मातरम बोलते थे, ये लेखक ने यानी उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो वे कहते हैं कि बाकी बातें सुनी सुनाई हो सकती है, गलत भी हो सकती है कुछ बातें, लेकिन जो सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, जो उन्हें लाठियां पड़ रही थी, वो लेखक ने अपनी आंखों से खुद देखा है, वो वे अपनी आंखों से देखा देखी लिख रहे हैं। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो पुलिस हैं वो भयंकर रूप से यानी बहुत ज़्यादा निर्दयता से लाठियाँ चला रही थी, और एक क्षितिज चटर्जी नाम से एक स्वयंसेवी थे, उनका फटा हुआ सर देखकर और उस सर से बहता हुआ खून देखकर सबकी आंखें मिच जाती थी, यानी उनसे नहीं देखा जा रहा था, उनका सर इतना फट गया था और उससे इतना सारा खून निकल रहा था। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान पर लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। अब यहाँ देखिए इस तरफ जो है सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अपने जुलूस के साथ अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहे थे, उन पर लाठियाँ पड़ रही थी, और उधर जो स्त्रियाँ थी जो महिलाएं थी वो मैन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर जो है स्मारक की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडे फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी स्वतंत्रता की, और जो स्त्रियाँ हैं जो महिलाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँची हुई थी और सबके पास जो है झंडे भी थे, और जो वॉलेंटियर जो स्वयंसेवी जो हैं उन महिलाओं के साथ वहाँ पहुँचे हुए थे जो पहले से उस मैदान के अंदर प्रवेश कर गए थे 3 बजे से पहले ही, वे जो हैं अपने स्थान पर जब उन्हें लाठियाँ पड़ रही थी वे फिर भी उस जगह से हट नहीं रहे थे। वो वहाँ पर दृढ़ संकल्प करके स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वहाँ पर डटे हुए थे, वे वहाँ पर हटने को तैयार नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली, साथ ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब वहां से सुभाष बाबू को जो है पुलिस ने पकड़ लिया और वहां से गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया। उसके कुछ देर बाद जब स्त्रियों ने वहां पर झंडा फहरा दिया और प्रतिज्ञा पढ़ ली, तो वहां से स्त्रियां जो है जुलूस बनाकर सब जो है जन समूह के साथ इकट्ठी होकर वहां से चल पड़ी, और उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ जो है इकट्ठी हो चुकी थी। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाना शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण ज्यादा आदमी घायल हुए। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। अब यहाँ देखिए बीच बीच में जो पुलिस है वो कुछ ठंडी पड़ गई थी, वे लाठियां नहीं चला रही थी, लेकिन फिर उन्होंने डंडे चलाना शुरू कर दिया। अब जो है भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा आदमी घायल हो गए थे। धर्मतला जो है एक जगह का नाम है कलकत्ता में, वहाँ पर उस मोड़ पर आकर जो है जुलूस टूट गया और वहाँ पर करीब 50-60 जो स्त्रियाएँ हैं महिलाएँ हैं वो वहीं मोड़ पर बैठ गई, और पुलिस ने उन्हें बाद में पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रभा कर रही थी।
उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। अब जो स्त्रियां थी उनका एक भाग वहां से आगे बढ़ा और जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी, विमल प्रभा, एक स्वयंसेवी हैं, वो जो है इन स्त्रियों का नेतृत्व कर रही थी, उनके आगे आगे चल रही थी। उनको बहु बाजार एक और जगह है, वहाँ पर जो है उसके मोड़ पर उनको रोक दिया गया पुलिस के द्वारा, तो वे स्त्रियाँ जो है वहीं पर मोड़ पर बैठ गई और आसपास उनके बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिस पर जो है पुलिस बीच बीच में लाठियाँ चलाती थी ताकि वो भीड़ तितर बितर हो जाए, इधर उधर हो जाए और भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। अब जो है जो स्त्रियां वहां पर बैठी हुई थी उस मोड़ पर, उन स्त्रियों को भी लाल बाजार के लॉकअप में ले जाने के लिए करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की एक गाड़ी आई और उन्हें वहां से लाल बाजार ले जाया गया। उनके साथ जो है कई आदमियों को भी वहां से पकड़ लिया गया था। ब्रिजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मैन्यूमेंट की ओर इतना जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। अब लेखक जो है एक और स्वयंसेवी के बारे में बताते हैं, ब्रिजलाल गोयनका के बारे में, कि जो ब्रिजलाल गोयनका हैं वो कई दिनों से लेखक के साथ ही काम कर रहे थे और एक जेल का नाम था उस समय दमदम जेल, वे वहां पर भी लेखक के साथ में ही थे। उन्हें भी जो है पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था। वो पहले तो खुद ही झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए इतनी जोर से मॉन्यूमेंट की ओर दौड़े, उस स्मारक की ओर दौड़े कि वे अपने आप ही गिर पड़े और उसके ऊपर उन्हें एक अंग्रेज घुड़सवार ने जो है लाठी मारी और फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। इस पर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसे छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का एक जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। अब देखिए, इतना होने पर भी वो स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ जुलूस में शामिल हो गए, लेकिन वहां पर भी उनको छोड़ दिया गया पकड़कर। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 200 आदमियों का एक जुलूस इकट्ठा किया, एक जनसमूह इकट्ठा किया और लाल बाजार की ओर चल पड़े। उस पर उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर दिया गया और जेल में भेजा गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। अब देखिए, एक और जो स्वयंसेवी हैं वो थी मदालसा। जो मदालसा हैं वे भी पकड़ी गई थी और उनसे ही बाद में मालूम हुआ कि उन्हें जो है थाने में भी मारा गया था। तो यहाँ देखिए, जो पुलिस है वो कितनी क्रूर थी और कितनी निर्दयता से जो है लोगों को मार रही थी। वे स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने मारने पर, उन्होंने मदालसा को थाने में भी मारा था। ये मदालसा ने खुद बाद में लेखक को बताया था। सब मिलाकर जो है 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें जेल में रखा गया था और बाद में जो है रात को 9 बजे उन्हें छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में इतनी बड़ी संख्या में, लेखक बताते हैं कि कभी भी इतनी स्त्रियां जो है कलकत्ता में गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। अब लेखक बताते हैं कि करीब 8 बजे जो है खादी भंडार जब वो आए तो वहाँ पर कांग्रेस ऑफिस से फोन आया था कि वहाँ कांग्रेस ऑफिस के पास बहुत सारे आदमी चोट खाकर आए हैं और कई लोगों की हालत संगीन है, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में वो हैं, उनके लिए गाड़ी चाहिए ताकि उन्हें वहाँ से अस्पताल ले जाया जाए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लग गई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख और फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 वहां आ पहुंचे थे, बाद में तो 103 तक आ पहुंचे।
तो जो जानकी देवी हैं उनके साथ लेखक वहाँ पहुँचे थे जहाँ पर बहुत सारे लोगों को चोट आई हुई थी। वहाँ पर एक डॉक्टर थे दास गुप्ता जी, वो जो है सबकी देख रेख कर रहे थे और साथ ही साथ जो है सबके फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। उस समय तक जो है वहाँ पर उन लोगों की संख्या, जो घायल लोग थे उनकी संख्या 67 थी, लेकिन बाद में वो संख्या बढ़कर 103 हो गई। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वो अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल ज़रूर हुए हैं। अब लेखक बताते हैं कि जब वो अस्पताल गए तो उन्होंने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि कम से कम 160 जो लोग हैं वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो लोग घर चले गए हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार जो लेखक हैं वो अंदाज़ा लगा रहे थे कि कम से कम 200 जो लोग हैं वो ज़रूर घायल हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो हुआ वह अपूर्व हुआ है। अब लेखक बताते हैं कि जो पकड़े गए लोग थे उनकी संख्या का पता नहीं लग पाया, लेकिन जो लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियां थीं, केवल एक लॉकअप की बात कर रहे हैं लेखक, लाल बाजार का जो लॉकअप था वहां पर जो महिलाएं थीं उनकी संख्या 105 थी। अब खुद सोचिए कि जब एक लॉकअप में महिलाओं की संख्या 105 थी तो कितने सारे आदमी उस समय पकड़े गए होंगे और लॉकअप में बंद होंगे। तो लेखक बताते हैं कि जो आज हुआ, यानी जो आज 1931 26 जनवरी को हुआ था, वो अपूर्व हुआ था, यानी वो पहले कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। वह आज कुछ अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। लेखक बताते हैं कि आज तक बंगाल या कलकत्ता के नाम जो है एक कलंक था कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। कौन सा काम नहीं हो रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अलग अलग संघर्ष किए जा रहे थे, लेकिन लोग मानते थे कि ये कलकत्ता में जो है ऐसा कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, ये कलकत्ता के ऊपर एक कलंक था। लेकिन आज यानी 26 जनवरी 1931 को जो है ये कलंक कुछ अंश तक, इसका कुछ भाग जो है वो धुल गया था और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि यहाँ पर भी, यानी कलकत्ता में भी जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम हो सकता है, यहाँ पर भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और लड़ाई में शामिल हो सकते हैं और कलकत्ता भी जो है स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना योगदान भरपूर दे सकता है। यह सब तो लेखक की डायरी का एक छोटा सा पन्ना था, केवल एक 26 जनवरी की बात थी, लेकिन कितना संघर्ष किया होगा लोगों ने उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जिसमें हम आज स्वतंत्रता पूर्वक सांस ले सकते हैं। हमें गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए लोगों ने अपना खून बहाया है, अपना सब कुछ निछावर किया है, तब जाकर जो है हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हमें प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी इस स्वतंत्रता का, जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जान निछावर की है, हम इस स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाएंगे और इस स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको 26 जनवरी 1931 का जो इतिहास है वो अच्छे से ज्ञात हो गया होगा और आप इसे हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद।